आपने अल्फांसो आम, दशहरी आम, लंगड़ा आम और मलिहाबादी आम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने घूंघट वाले आम के बारे में सुना है? लखनऊ के प्रसिद्ध मलिहाबादी दशहरी आम को एक विशेष तरह के कवर में रखा जा रहा है। पेड़ पर लटके हुए आम को एक प्रोटेक्शन बैग में रखा गया है ताकि आम साधारण आम के मुकाबले बड़ा और स्वादिष्ट हो। आम को ढकने वाले इस प्रोटेक्शन बैग की कीमत 3 रुपए है और इस 3 रुपए के बैग के कारण 30 रुपए वाले आम की कीमत बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो हो गई है। लखनऊ के मलिहाबाद का आम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार का आम और भी ज्यादा खास है क्योंकि इसको अंतरराष्ट्रीय अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से तैयार किया जा रहा है। ये जो बैग्स आप देख पा रहे हैं, ये आम को इसके अंदर कवर किया गया है और ये फ्रूट प्रोटेक्शन बैग है जो कि भारत में नहीं मिलते, चाइना से इनको इम्पोर्ट किया गया है। और इस बार ये जो आम है और भी ज्यादा खास, नए तरीके के, ज्यादा स्वादिष्ट होंगे, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ मुस्लिहुद्दीन जी हैं जो कि मलिहाबाद के एक बड़े व्यापारी हैं, बड़े किसान हैं, इनके आम के तमाम बाग हैं और ये अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे क्योंकि पहली बार इन्होंने ये टेक्नोलॉजी भारत में इंट्रोड्यूस की है। मुस्लिहुद्दीन जी, इस पहले टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताइए, ये बैग आपने कहाँ से मंगाया है, इसकी खासियत क्या है और कैसे आम तैयार होता है? ये जो बैग है ये अपने इंडिया में नहीं है, इसका जो पेपर है ये फ्रूट प्रोटेक्शन बैग है जो कि ये चाइना से आंध्रा आ रहा है, आंध्रा से ये लखनऊ आ रहा है, जो इस समय बहुत काफ़ी इस पर कॉस्ट आ रही है, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा महंगा भी पड़ रहा है, तो 3 रुपए का ये बैग लगा मतलब टोटल लगाने तक खर्चा आ रहा है इस पर। इसको लगाने से ये फायदा है, जो दशहरी हमारी 30 रुपए की बिकती थी इसको लगाने के बाद सीधे सीधे 80 रुपए की बिक रही है, सीधे सीधे जस्ट डबल से भी ज्यादा फायदा है। और आम की जरा खासियत भी हमें दिखा दीजिए इस बैग को निकाल के कि किस तरीके का आम इस बैग के अंदर निकलता है। इसमें खासियत ये है कि इसको लगाने के बाद इसका जो कलर आता है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा कलर आता है। और दूसरा ये है, पहले हम लोगों का आम सिर्फ 5-6 दिन जो है रुकता था, इसको लगाने के बाद सीधे सीधे 15 दिन आम रुक जाता है, यानी कि आम जो है पहले 6 दिन तक फ्रेश रहता था, 15 दिन तक रहता है। तो इसको कहाँ कहाँ पे आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं? जो पहले आम होता था वो सिर्फ अपना गल्फ कंट्री और छोटे छोटे कंट्री में रह जाता था, पास की जो है जो थी। इसको लगाने के बाद हम USA, यूरोप जैसे मतलब बड़े बड़े देशों में हम जाकर इसको बेच सकते हैं, जो अच्छा दाम इसका मिल रहा है।